तो दोस्तों द फ्लैश का ट्रेलर आ चुका है, तो चलिए देखते हैं ट्रेलर कैसा है। वैसे कह रहे हैं कि इसमें बैटमैन भी आने वाले हैं और बेन एफ्लेक का बैटमैन भी आने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। बाकी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज़ किया गया है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। एक बात बताओ, तुम कहीं भी जा सकते थे दूसरे टाइमलाइन में, दूसरे यूनिवर्स में, क्यों इसी में रहने और इसे बचाने पर तुले हुए हो? क्योंकि इस वाले में मेरी मॉम रहती है और मैं उन्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। समय का एक पैटर्न है जिसकी मजबूरी है खुद को दोहराना। अलग लोग, अलग दुनिया होने वाली है, ऐसे पास खिंचे आते हैं जैसे मैग्नेट हो। ये तो मेरा चेहरा है, तुमने मेरा चेहरा चुराया। इस जून अगर गुजरे हुए समय में चले भी गए तो तुम्हें अंदाजा भी है उसका अंजाम क्या होगा। ब्रूस, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। तुम सब कुछ तबाह भी कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो पूरा यूनिवर्स बिगाड़ दिया। ज़ॉर्ड, हम तुम्हारी ही राह देख रहे थे। मैंने बिना सुपरहीरोज की दुनिया बनाई और अब हमें बचाने के लिए कोई नहीं है। कुछ मदद चाहिए? ओहो, तुम तो मैं हूं बैटमैन। मैं अपना किया बदल नहीं पाया तो, अगर मैं लौट नहीं पाया तो शायद हमारा भविष्य ही मिट जाएगा। जिंदा रहने की कोशिश। इतना लंबा है ये क्लॉक नहीं है। मेरा नाम कारा है और मेरा नाम हमारा नाम बैरी है। द फ्लैश। बैरी, तू ये क्या कर रहा है? बच्चे होंगे तब उन्हें दिखाऊंगा। जलता रही है। सो गाइस, जो ट्रेलर था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। इसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, जैसे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जो था वो एक स्टोरी वाइज दिखाया गया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी इसमें बैटमैन जो है वो दोनों रिटर्न करने वाले हैं, वो भी काफ़ी अमेजिंग था। बाकी सुपरमैन का कोई सीन लगा नहीं मुझे, बाकी सुपर गर्ल दिखाई गई थी। तो देखेंगे मूवी कैसी होती है, अभी इन्होंने डेट नहीं बताई है, बाकी देखेंगे कैसी होती है। मुझे तो ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा। बाकी अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताएगा। बाकी जाते वक्त वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए गाइस, टेक केयर।